नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द चौपाल। हफ्ते भर से जारी कयासों के बीच नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने 30 मई की शाम 7 बजे करीब 6,500 लोगों के सामने शपथ लिया। पीएम मोदी के साथ शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल में कुछ नाम तो ऐसे थे जिनके बारे में सबको उम्मीद थी, जबकि कुछ नाम ऐसे थे जो पिछले मंत्रिमंडल में शामिल थे लेकिन नए मंत्रिमंडल में उन्हें बाहर रखा गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल से बाहर होने वालों के नामों से जिन नामों ने सबसे ज़्यादा चौंकाया उनके नाम हैं सुषमा स्वराज, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुरेश प्रभु और मेनका गांधी। जबकि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जिस एक नाम ने सबसे ज़्यादा चौंकाया वो था सुब्रमण्यम जयशंकर का। अंत तक उनके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था लेकिन शाम ढलते जैसे उनका नाम सामने आया सब चौंक पड़े। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। यश जयशंकर का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना बस ऐसे ही नहीं था, वो पीएम मोदी के करीबी रह चुके हैं और विदेशों में कई बार भारत के लिए संकटमोचक की भूमिका निभा चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन में वो भारत के राजदूत रह चुके हैं। साथ ही मोदी सरकार के पहले टर्म में वो 2015 से 2018 तक विदेश सचिव भी रह चुके हैं। चीन और अमेरिका के मामले में उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। 2015 में जब एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया गया था उस वक्त उस पद पर सुजाता सिंह बैठी थी, उन्हें ऐसे वक्त हटाया गया जबकि उनका कार्यकाल बचा हुआ था। 2015 की जनवरी में विदेश सचिव की कुर्सी से सुजाता सिंह की जगह पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया जाएगा। विदेश सचिव बनने से पहले 2013 से 2015 तक अमेरिका में भारत के राजदूत थे। जयशंकर 1977 बैच के IFS अधिकारी हैं। मोदी से उनकी पहली मुलाकात 2012 में हुई। गुजरात की मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी चीन की यात्रा पर गए थे। उस वक्त जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब पहली बार अमेरिका गए तो जयशंकर ने काफ़ी सक्रियता दिखाई थी और पूरे दौरे का रोड मैप तैयार किया था। डोकलाम में जब 2 महीने तक भारत और चीन की सेना युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी तब बतौर विदेश सचिव जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र और चीन में भारत का पक्ष मजबूती से रखा और मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। UPA सरकार के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एटमी डील कराने में जयशंकर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जयशंकर को उनके अनुभव के अनुरूप विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम पीएम मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। विदेश सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसी साल उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो पीएम मोदी के ये जो तुरुप के इक्के हैं, जो ये ट्रंप कार्ड हैं, ये कितने कारगर साबित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एस जयशंकर के बारे में पूरा विश्लेषण करके हमने आपको बताया ताकि आप भी जान सकें ये चौंकाने वाला नाम एस जयशंकर का, इनका क्या योगदान है, इनकी क्या भूमिका है और इनका क्या अनुभव है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।